तो गाइस यार आप लोगों को यहाँ पर दो वीडियो देखने के लिए मिल रहा होगा। एक मिल रहा होगा आप लोगों को नॉर्मल वीडियो, एक मिल रहा होगा आप लोगों को यहाँ पर देखने के लिए सिनेमैटिक वीडियो, जो कि मूवीज़ वगैरह में यूज होता है और आप लोग रील्स में भी यूज कर सकते हो। सबसे पहले आप लोगों को अपना कैपकट खोल लेना और अपने वीडियो को ले लेना है। जिस टाइप की भी आप लोगों की वीडियो हो आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पर ऐड कर लेना है। चलिए आइए, जो भी हम सेटिंग बताने वाले हैं वहाँ पर आप लोग यूज कीजिएगा। देख सकते हैं कि ये नॉर्मल वीडियो है, ठीक है। एंड यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पर ये जो आप लोगों का बेकार पार्ट होगा वो डिलीट कर देना और थोड़ा सा जूम कर लेना अपने वीडियो को, ठीक है। जूम करने के बाद आप लोगों को देखोगा जी यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा होगा एकदम नॉर्मल वीडियो, ठीक है, एकदम नॉर्मल ब्लैक एंड वाइट, ठीक है। इसमें हम लोग सिनेमैटिक देंगे कलर ग्राफिक, ओके। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों को जाना है फिल्टर वाले ऑप्शन में। चलिए आइए आप लोगों को हम दिखा देते हैं, सही से आप लोग देखते जाइएगा। ये देखो नीचे साइड आप लोगों को फिल्टर का ऑप्शन दिख जाएगा। अब आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारे आप लोगों को ऑप्शन मिल जाते हैं। सबसे पहले आप लोगों को देख सकते हो, तो यहाँ पर आप लोगों को एक मूवी वाला ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। मूवी वाले ऑप्शन में क्लिक करना है और देखो गाइस यहाँ पर जो भी प्रो वाले ऑप्शन है ना वो यूज मत करना, नहीं तो आप लोगों का यहाँ पर कुछ पेमेंट वगैरह मांगने लगेगा, ठीक है, और आप लोगों का शायद ना मांगे। तो चलिए आइए, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो आप लोगों को देखो गाइस यहाँ पर मूवी वाले ऑप्शन में जाना है, ठीक है। सॉरी गाइस उधर क्लिक हो गया। यहाँ पर आप लोगों को मूवी वाले ऑप्शन में आके एक ग्रीन ऑरेंज पर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो, तो यहाँ पर एक ऑप्शन होगा 60, 70, 80, 100 करने के लिए। तो यहाँ पर सिंपल सा आप लोग यहाँ पर 80 कर लेना, ठीक है। मेरे केस में हमने 60 किया, बट आप लोग 80 कर लेना, ठीक है। मैं यहाँ पर बाद में अपना एडजस्ट वगैरह कर लूँगा, तो आप लोग 80 कर लेना, ओके। 80 करने के बाद आप लोगों को क्या करना है, ठीक है, ग्रीन वाले ही पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप लोगों को बता दूँ कि देखो गाइस मैंने ऑरेंज और यहाँ पर ग्रीन ऑरेंज यूज किया है, बट आप लोगों को और भी ऑप्शन बता देते हैं। हम्बल वाला ऑप्शन मिलेगा एक, ठीक है। हम्बल के बाद आप लोगों को यहाँ पर एक और ऑप्शन मिल जाता है, ये देखो बिलिंग, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को सैड सॉन्ग वगैरह में आप लोगों को यूज करना है, जो कि एकदम ब्लैक एंड आप लोगों को रील्स बनाते हो तो, ठीक है। एक मिल जाएगा बर्ल्ड बनी, ठीक है ना, यहाँ पर, ठीक है, बुल्ड बनी मिल जाएगा, आप लोगों को भी यूज कर सकते हो। यहाँ पर ऑप्शन मिल जाते हैं, बट आप लोगों को जो यूज करना है अपने रील्स वगैरह में, आप लोगों को मूवीज़ वगैरह में जाना है, ग्रीन ऑरेंज पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप लोगों को 80 रख देना है, ठीक है। ये देखो 80 मैंने कर दिया और यहाँ पर यस कर देना है, ओके। अब यहाँ पर यस करने के बाद आप लोगों को फिर से उसी ऑप्शन में आके यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर एडजस्ट का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले यहाँ पर लगा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं क्यों बार बार दिखा रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पर प्रो वाले ऑप्शन यूज करोगे तो थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम देखने के लिए मिल सकता है। तो यहाँ पर मैं यूज कर लेता हूँ, यहाँ पर मैंने देखो यहाँ कर लिया। करने के बाद आप लोगों को देखोगा इस यहाँ पर मैं आप लोगों को अभी भी बता दूँ, प्रो वाले बिल्कुल भी यूज ना करना, नहीं तो आप लोग एक्सपोर्ट करने जाओगे तो वहाँ पर प्रो लिख किया गया, जैसे कि ऊपर साइड मेरा प्रो लिख किया गया है, देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे प्रॉब्लम देखने के लिए मिला था, तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया। तो चलो ये दोनों ऑप्शन को, प्रो वाले को मुझे छूना नहीं है, हम लोगों को चलना है यहाँ पर ब्राइटनेस में, ठीक है। ब्राइटनेस में जाने के हम लोगों को हाई कर देना, ब्राइटनेस में हाई कर देना। यहाँ पर कॉन्सेप्ट में अभी ये थोड़ा सा हाई कर दो, ठीक है। आप लोगों एडजस्ट वगैरह बहुत ही कम करते हो, ठीक है। तो इसलिए मैं आप लोगों को कह दूं कि गाइज आप लोग जब फिल्टर यूज करो ना तो वहाँ पर एडजस्ट वगैरह भी किया जाता है, ठीक है। जहाँ पर आप लोगों की जो सिनेमैटिक है ना, जो कि आप लोगों को बैकग्राउंड है मूवीज़ वगैरह तरीके हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग अपने हिसाब से यहाँ पर एडजस्ट भी कर सकते हो। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं जितना यूज कर रहा हूँ, देखो आप लोगों का वीडियो और बैकग्राउंड जो सबका अलग अलग होता है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप लोगों को यहाँ पर चेक करना है, ठीक है। अब देखो मेरा फिल्टर यहाँ पर लगा नहीं है, ठीक है। मैंने फिल्टर पर यस ऑप्शन नहीं किया था, थोड़ा सा यहाँ पर मेरा जो है ना कलर, ठीक है, कलर सही से नहीं आया, तो मैं यहाँ पर लास्ट में कर दूंगा। तो यहाँ पर जो अभी यूज करूँगा ना फिल्टर, तो थोड़ा सा यहाँ पर मूवीज़ वगैरह का सिनेमैटिक वाला कलर आ जाएगा, ठीक है। तो अपने हिसाब से यहाँ पर एडजस्ट कर लेना। यहाँ पर थोड़ा सा मेरा ब्राइटनेस वगैरह से है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर मैंने यूज कर लिया, ओके। इतना करने के बाद आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर अपने हिसाब से कर लेना, अपने वीडियो के हिसाब से। इतना करने के बाद आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है तो मुझे कमेंट्स करना, ठीक है। ये देख सकते हो, ठीक है। और ग्रीन ऑरेंज मैंने यूज किया, थोड़ा सा यहाँ पर ग्रीन को मुझे बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, मैंने लगा दिया है, ठीक है। तो जो मेरी वीडियो में दिखाया था उस हिसाब से यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, ओके। तो यहाँ पर गया मैं, ठीक है। तो इसको सॉरी गाइस, इसको मैंने कम कर दिया, इसको हटा देता हूँ, ठीक है। कलर वाला जो प्रो वाला है ना, इसको मैंने हटा दिया, देखो हटाया हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो, ये हमारा जो कलर ग्राफिक है ना, कलर ग्राफिक वो एकदम बेस्ट लेवल से हो गया, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा हाई करूँगा, ठीक है। जितना भी हाई करूँगा उतनी खिल के आएगा आप लोगों का, ठीक है, बैकग्राउंड का रील्स, ठीक है। तो आप लोगों को इसीलिए मैं कह रहा था कि अपना वीडियो का जो लेंथ है, मतलब ये जो है ना, वो सब हाई रखो,
ओके ये देख सकते हो मेरा कलर काफ़ी बेस्ट लेवल तक हो गया। आप लोगों को इसी तरीके से करना है। ओके आप लोगों को वीडियो समझ आ गया होगा आई होप। ठीक है कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे इंस्टाग्राम पर या कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ठीक है तो चलिए आइए यहाँ पर आप लोग करने के बाद एक्सपोर्ट कर लेना और चलते हैं नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। आई होप आप लोग को वीडियो समझ आई हो। लव यू गाइस एंड बाय बाय।